भाई खुद के ना ग्रीन 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 मीडियम दूसरा नंबर बता कौन सा बैठ लिया ग्रीन नंबर कौन है वो कौन है 42 किलोमीटर के लिए रन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 42 किलोमीटर की 4 रेस की है ये, लेकिन इधर पहली बार कर रही हूँ। इधर का थोड़ा नेचर अलग है, इसलिए 2-3 दिन पहले मैं इधर प्रैक्टिस के लिए आई हूँ ताकि मैं इस मौसम में घुल मिल सकूँ और 42 किलोमीटर अच्छे से कर सकूँ। और अभी इधर थोड़ा बहुत घूमे भी है। यहाँ का जो भी नेचर, जो भी यहाँ की चीज़ें है बहुत अच्छे, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये शरद ने जो मैराथन चालू किया है यहाँ से, इसका एक मोटिव अलग था कि एक कॉज रिलेटेड जो मोटिव था इनका कि हमारा मतलब कि कारगिल वॉर के नाम से कारगिल फेमस था, तो उसको एक नया टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का और उसके लिए यहाँ का इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर से हमारे जो शरद संस्था के अध्यक्ष है श्री संजय नाहर जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे कुछ अच्छा करने का इसे सोचा। तो वो एक पहला हमारा ये था कि यहाँ पे एक अगर मैराथन करेंगे तो मैराथन में कैसे है कि दुनिया भर से पार्टिसिपेटर्स आएंगे तो ये कारगिल उनको पता चल जाएगा, वहाँ से ऑटोमेटिकली टूरिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे करके ये चालू किया तो, और यहाँ के लोकल सपोर्ट बोलो, हिल डेवलपमेंट काउंसिल बोलो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, ये हमें लद्दाख पुलिस बोलो, ये हमको हमेशा सपोर्ट करते आए ये चीज़ को, जिसकी वजह से हमारा उत्साह और बढ़ता है और ये रेस बहुत अच्छा कैसे होगा आगे, तो वो हिसाब से हर एक ईयर डेवलपमेंट के हिसाब से हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये साल हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, केन्या से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, US से भी आ रहे हैं जिन्होंने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन किया है, और मेनली जो इंडिया के बहुत अच्छे रनर्स है मैराथन के प्रोफेशनल रनर्स, वो ये बार बहुत बड़े पैमाने पे इधर आए हैं। तो इधर यहाँ से अभी महाराष्ट्र में से कोल्हापुर रहेगा, बेलगाम रहेगा, ऐसे UP में से रहेंगे, राजस्थान में से रहेंगे, ऐसे बहुत अलग अलग जगह से रनर्स अच्छे से आ रहे हैं। पता है कि पिछले काफ़ी सालों से ये मैराथन करते आ रहे हैं, तो इस साल 6th इंटरनेशनल कारगिल मैराथन जो कर रहे हैं हम 17th और 18th को, तो उसके अरेंजमेंट्स हम अभी मैं देखने आया यहाँ पे, तो इसी तरह से मैं हर अरेंजमेंट्स जहाँ जहाँ पे भी हमें करना है मैं देखूँगा, तो इसी का मैं असेसमेंट करने आया हूँ। मुझे यहाँ पे लगा कि अच्छा अरेंजमेंट्स हुआ है और कुछ कमियाँ जो थे हमने कंसर्न को बोला है कि वो इनको प्रोवाइड करें, जो टीम है शरद से जो आए हैं या हमारे जो यहाँ के टीम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से हम अरेंजमेंट्स करेंगे, पिछले जो सालों में हुआ है उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मेरा यही है कि जितने भी लोग हैं रनर्स में, जो रनर्स हैं वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें, और जो हमारा थीम है इस साल का हुनरमंद रन फॉर हुनरमंद, तो ओवरऑल इस रन को करने का मकसद ये है कि हम कारगिल को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत पहले हम कारगिल को बहुत ज़्यादा लोग बाहर नहीं जानते थे, तो जब से यहाँ पे ये वार हुआ था तो उसके बाद लोग जानने लगे, लेकिन जानने भी लगे तो वार की जगह से जानने लगे। लेकिन हम ये प्रमोट कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ये नहीं है कि वाकई वार हुआ था, लेकिन अभी बहुत पीसफुल है, बहुत ही घूमने की जगह है यहाँ पे। टूरिस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, कारगिल को प्रमोट करना चाहता है ताकि हमारा इकोनॉमी बढ़े यहाँ पर।